हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है। जैसे कि एक व्यूअर ने सवाल किया है कि सर आखिरकार क्रेडिट नोट में कौन सी एंट्री पास की जाए, तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट पर ऑलरेडी हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर कह रहे हैं तो ये वीडियो भी आप ही के लिए है। और इसको ध्यान से देख लीजिए, जिन लोगों को भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों में कन्फ्यूज़न होती हो वो लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और उन गारंटी है कि उनकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व भी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कीजिएगा। ठीक है, ये हमारी कंपनी है, तो कंपनी कोई भी आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम नई कंपनी बना लेते हैं और यहाँ से जाकर के क्रिएट कंपनी पे आपको करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट कंपनी के नाम से मैं लिख देता हूँ, इसका नाम ही दे देता हूँ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, CREDIT क्रेडिट नोट NOTE। तो ये हो गया डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे न्यू कॉलोनी देवरिया DEORIA। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर आएंगे तो उत्तर प्रदेश कर देते हैं, ये हो गया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे पिन कोड आएगा 274001, तो ये पिन कोड डाल दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वगैरह आपको दिख ही रहा है, एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो इसमें आपको चालू करना होगा GST। ठीक है, तो GST को चालू करने के लिए यहाँ से जाएंगे, इसको यस करेंगे, ये जो ऑप्शन है इसको यस ही रखना है आपको। यस रखेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी स्थिति में आपको भी करते चले जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आता है आपका GSTIN नंबर, तो जो भी आपका GSTIN हो वो डालते हुए आगे बढ़िएगा। मंथली रखिएगा, अगर आप क्वार्टरली GST फाइल करते हैं तो क्वार्टरली भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से टैक्सेबल करके, और फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 12% का टैक्स लगा रहा हूँ, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर इसको भी यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन अब TDS का ऑप्शन है। ठीक है, GST हमारा चालू हो गया, TDS हमें चालू ही नहीं करना है, तो एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तब इसमें हम एंट्री करते हैं। ठीक है, हालांकि पहली एंट्री रिसिप्ट में होती है, लेकिन हम अभी सीधा कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं परचेज में। तो हमें एक सप्लायर से बिल मिलेगा जिसका कि हम परचेजिंग करेंगे। सप्लायर द्वारा दिए गए बिल का नंबर ये है और 1 अप्रैल को ही मान लीजिए कि परचेजिंग हो रही है और ये परचेजिंग उधार में हो रही है, तो उस पार्टी का नाम आएगा जो हमें उधार सामान देगी। ठीक है, न्यू जनरल स्टोर कर देते हैं, ये हो गया न्यू जनरल स्टोर, तो ये वो पार्टी है जो हमें उधार सामान दे रही है। एंटर करेंगे और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लेना है आपको। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, अब इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहाँ आएगा परचेस का लेजर, तो यहाँ एंटर करिएगा। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ परचेस का लेजर के लिए ओपन हो जाएगा। आप अगर एंटर करने पर नहीं आ रहा है या आप नहीं वहां तक पहुंच पा रहे हैं तो आप अल्ट सी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा परचेज और फिर यहाँ A/C यानी अकाउंट कर देंगे, एंटर करेंगे और यहाँ P प्रेस करेंगे तो परचेज का ग्रुप आ जाएगा। ग्रुप हमेशा सही रखिएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम, कौन कौन से स्टॉक आइटम थे उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी स्टॉक आइटम होंगे उनके नेम यहाँ पर आपको दे देने होंगे। जैसे यहाँ पे था SSD। ठीक है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे बोलते हैं, एंटर किया। अब ये बिकेगा तो ये पीसेज में बिकेगा, नंबर्स में बिकेगा, तो यहाँ NOS करके एंटर करेंगे और यहाँ लिख देंगे नंबर्स। क्या लिख देंगे, नंबर्स, एंटर करेंगे, यहाँ N प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा नंबर्स, एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराएंगे, एंटर करेंगे। अगर आप अलग से GST देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, फिलहाल देने का कोई इरादा नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब मान लीजिए कि 50 SSD मंगाई गई है और 1 SSD की खरीद रेट जो पड़ रही है वो पड़ रही है 1200 रुपये, तो यहाँ डाल दिया 1200। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि अब आप क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पे GST लगाएंगे, तो यहाँ पे CGST, क्योंकि सेम स्टेट है तो CGST SGST ही लगेगा, अल्ट सी करके बनाइएगा CGST और इसका ग्रुप रखिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या रखना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना है, GST यहाँ पे लगा लीजिएगा, एंटर करके यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है। तो जैसे एक्सेप्ट कराएंगे तो 3600 रुपये GST कैलकुलेट हो गया 12% के हिसाब से, और ऐसे ही SGST अल्ट सी करके क्या बनाइएगा, SGST। SGST माने स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और CGST माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप रख के यहाँ पे कर दीजिएगा GST और एंटर करके फिर नीचे आइएगा और नीचे आके स्टेट टैक्स करिएगा, फिर यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेना है। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर यहाँ पर आकर के आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट करा लेना है। ठीक है, जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट कराने के लिए, तो इसको ऐसे करके
एंटर करके न्यू रेफरेंस करिएगा और इसको एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ नरेशन डाल दीजिएगा, द गुड्स हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप जब अपने स्टॉक में देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए ये हमारा स्टॉक है, तो यहां पर आएंगे ना, तो यहां से स्टॉक में जाने के लिए आपको स्टॉक एस प्रेस करना है स्टॉक समरी में जाने के लिए। तो ये देखिए ये डिटेल नजर आएगी कि आपने इनवार्ड कितना किया। इनवार्ड का मतलब होता है आपने परचेस करके लाए हैं, उसे इनवार्ड कहते हैं, और जब सेल करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, आउटवार्ड। तो ये है इनवार्ड और आउटवार्ड, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यानी कि अब हम बात करेंगे कि इसमें से तीन चार एसएसडी टूटी हुई है यानी डिफेक्टिव है, तो इसको रिटर्न करना। यानी हमने क्या किया, सिर्फ क्या किया, सिर्फ हमने परचेज किया और यहीं से रिटर्न करना है। यानी हमने अभी सेल नहीं किया है, हमने परचेज किए हुए सामान को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में बाउचर में जाना पड़ेगा, और बाउचर में जाकर के कौन से बाउचर में जाना होगा, तो यहां पे जाना होगा डेबिट नोट बाउचर में। तो यहां अदर बाउचर पे जब आप जाएंगे तो नीचे इसमें आपको डेबिट नोट बाउचर दिखेगा। अगर ना नजर आए तो यहां सो इनएक्टिव पे क्लिक कर सकते हैं, हालांकि हमें नजर आ रहा है। तो डेबिट नोट बाउचर में जाना है, ऑल्ट F5 शॉर्टकट की होती है, आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे आएंगे, जैसे ही आएंगे तो जिनसे परचेस किया था उन्हीं को रिटर्न ये जाएगा, तो उनका नाम आ जाएगा, एंटर करेंगे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर इस पार्टी का नाम आएगा मेलिंग नेम में, और एड्रेस अगर चाहे तो डाल दीजिएगा, एंटर करके, एंटर करके इनका GSTIN नंबर जो डाला गया था वो डाल के एंटर करिएगा। यहां पर आइएगा तो SSD थी 50 SSD इन्होंने हमें दी है, अब हम इनको रिटर्न करेंगे तो उसी भाव से रिटर्न करेंगे जिस भाव से हमने परचेज किया था। तो क्वांटिटी कितनी रिटर्न कर रहे हैं, तो यहां दो क्वांटिटी डालेंगे तो ये कीमत अपने आप आ जाएगी। देखिए दो टूटी हुई थी तो उसको रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया तो यहाँ पे CGST SGST के साथ ही रिटर्न करेंगे, तो CGST हो गया, देन यहाँ SGST हो गया, एंटर करके, एंटर करके, और इसको यहां से कराएंगे एक्सेप्ट, ठीक है। और यहां लिख देंगे द गुड्स हैव बीन रिटर्न्ड RETURNED ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट PRODUCT, ठीक है। ये हो गया, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो फिर क्या करना है आपको, अब इसका बिल हमें देखना है कैसा बिल दिखेगा। तो यहां से बाहर आने के लिए एस्केप बटन और दो बार डी प्रेस कीजिए, और ये हमारा डेबिट नोट वाला बिल है, ऑल्ट पी कीजिएगा और एंटर कीजिएगा, आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो ये बिल आपको दिखेगा कि ये किस तरीके से रिटर्न करवाया गया है, ठीक है। डेबिट नोट, अब बात करते हैं क्रेडिट नोट की, ठीक है। तो ये हमने अपने यहाँ जो है ये एंट्री करी है, यानी अगर आप लोकल सप्लायर हैं तो ये आप अपने यहाँ एंट्री करेंगे ऐसी, ठीक है। अब होलसेलर सप्लायर कहाँ एंट्री करेगा, वो क्रेडिट नोट में एंट्री करेगा, ठीक है। अब क्रेडिट नोट बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करके यहाँ अदर बाउचर पे जाके ये देखिए ये ऑल्ट F6 प्रेस करना है, और ये जब सप्लायर को बिल मिलेगा तो सप्लायर क्या करेगा, यहां पर जो है उनका नाम डालेगा जिनको कि ये सामान बेचा गया था, ठीक है, जिनको कि ये सामान बेचा गया था, यानी पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पे ये न्यू जनरल स्टोर कर देते हैं, और यहाँ पे अगर बिल नंबर याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये रिसीव करने की एंट्री है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट ये हो गया, एंटर करेंगे और ये सेल्स अकाउंट के अंडर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल्स अकाउंट, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे SSD था तो 48 बची हुई है, ठीक है, क्योंकि एक ही ठीक है, यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का नाम। तो जब आप होलसेलर पार्टी के यहाँ ये एंट्री करेंगे तब ये जो है क्रेडिट नोट में एंट्री पास होगी, अदरवाइज तो डेबिट नोट में ही एंट्री पास होगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, अगर कोई कंफ्यूजन होती हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।